बहुत ही ज्यादा पावर है गाइस, बहुत ही ज्यादा। ये एक नहीं है, दो दो है मेरे पास, दोनों साइड में मैंने लगा के रखा है। सो गाइस ये रहा वो पार्सल। वैसे तो गाइस ये नट काटने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये लाग नहीं रहा है, किसी चीज पर अटक नहीं रहा है। सो गाइस अभी हम लोगों ने पीछे वाले टायर पर फिट कर लिया है। सो अभी आगे वाले टायर पर फिट करते उसके बाद सिनेमैटिक दिखाते कुछ गाइस। सो हेलो व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबूस लाइफस्टाइल। तो गाइस स्वागत करते हैं नए ब्लॉग में आप लोगों का, और आज हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले अपने बाइक में। सो फिलहाल वो मैंने पहले ऑर्डर कर लिया था और आके घर पे गिरा हुआ है, तो आज उसको इंस्टॉल करेंगे अपने बाइक पे, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो गाइस इसको बोलते हैं व्हील कवर मैंने पहले ऑर्डर कर दिया था, अभी घर पे है, वो इंस्टॉल करते हैं अपने बाइक में और आप लोग देखिए एंजॉय कीजिए। और कितना पड़ा कितना लिया मेरे से, तो आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना गाइस। सो गाइस सबसे पहले अपने बाइक को निकालते हैं घर से, उसके बाद कूल स्टार्ट वगैरह करते हैं। उसके अभी करते हैं गाइस कूल स्टार्ट गाड़ी को। फर्स्ट सेल्फ में तो ये स्टार्ट नहीं होने वाला है गाइस, अभी बंद हो जाएगा, थोड़ी देर ऐसे चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा, मुझे पता है। पता नहीं गाइस आज क्या हो गया, बंद नहीं हुआ, एक सेल में ही गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जब पहले मैं स्टार्ट करता था, पहले जितना भी स्टार्ट किया मैंने एक सेल्फ में, सुबह सुबह तो स्टार्ट नहीं होता है, एक दो तीन बार सेल्फ मारना पड़ता है उसके बाद ही स्टार्ट होता है, पता नहीं आज हो गया है गैस। और गैस इन फॉग लाइट को भी मुझे फिटिंग करना है, फिलहाल तो मैंने ब्लैक टिप से इसको रखा है जैसे तैसे, इसको भी फिटिंग करना है। मतलब अब इसका पावर दिखा देगा इस आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा पावर है गैस, बहुत ही ज़्यादा। ये एक नहीं है, दो दो है मेरे पास, दोनों साइड में मैंने लगा के रखा है, बहुत ही ज़्यादा पावर है गैस इनका, क्या बताए, रात को पता चलता है कितना पावर है इसका। सो गाइस ये रहा वो पार्सल जो एक हफ्ता पहले मेरे पास आ चुका था, लेकिन मैंने मतलब खोल के देखा था, अनबॉक्स तो किया है मैंने, फिर भी आप लोगों के सामने करता हूँ। और पूरा मैंने नहीं देखा, खोल के थोड़ा सा देखा है टूटा हुआ है या नहीं, तो अभी पूरा अनबॉक्स करते और फिट करते अपने बाइक में गाइस। सो गाइस अभी करते हैं अपना प्रोडक्ट अनबॉक्स, ये पहले मैंने सब हार दिया था इसको ऐसे करके, तो इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कैसा चीज है और कैसे क्वालिटी में आया। ये रहा अपना प्रोडक्ट गाइस, ये रहा गाइस अपना व्हील कवर गाइस, ये नट बोल्ट और ये क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिप ना क्या बोलते हैं, ये भी आया है, तो इसको फिटिंग करते हैं फटाफट। दोनों टायर में दो होगा, दो चार करके, दोनों व्हील्स का मिल चुका है मुझे, तो पहले फिटिंग करते हैं। ये देख सकते हैं ये सब चीजें मिलेगा आपको, ये तीन ये मिलेगा, उसके बाद ये नट तीन मिलेगा, बोल्ट तीन, और ये वाला छह मिलेगा गाइस। ये क्या है, horizon I lose track of time, yeah I move fast and climb a new class divine, yeah true passion shines and I'm through passing time, I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. सो गाइस इस चीज़ के लिए आपको प्लास्टिक की क्यों ज़रूरत है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये चीज़ जो है ये देख सकते हैं, इसमें प्लास्टिक का कुछ दिया हुआ है, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइट होता है, सो इसको प्लास्टिक से पकड़ना होता है हम लोगों को इस प्रकार से, ये स्क्रू ड्राइवर से इस साइड में टाइट देना होता है, उसके बाद ईजी हो जाता है गैस इसको टाइट देना। सो तो गैस ये नट काटने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लाग नहीं रहा है, किसी चीज़ पर अटक नहीं रहा है, बट देखने में थोड़ा बुरा लगता है, सो फिर भी रहने देते गाइस, कुछ इतना दिक्कत भी नहीं हो रहा है इस चीज़ से। सो गाइस अभी मैंने नट वगैरह तो टाइट कर दिया है, अभी फिट करना है ये चीज़, इसको लगाना होगा। ये देख सकते हैं ये वाला एक होल है और इधर है दो, टोटल तीन है, चार है गाइस, लेकिन ये चीज़ तीन दिया हुआ है,
अभी देखते हैं कहाँ कहाँ फिटिंग करते, पहले तो इन दोनों जगह पर फिटिंग करना होगा हम लोगों को। सो गाइस मैंने ये भी फिट कर दिया है अपना, और अभी अगला टायर का फिट करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को लुक्स। अभी देख सकते हैं टायर थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। सो गाइस अभी हम लोगों ने नीचे वाले टायर पर फिट कर लिया है, सो अभी आगे वाले टायर पर फिट करते हैं, उसके बाद सिनेमैटिक दिखाते हैं कुछ गाइस। तो गाइस हमारा अभी हो चुका है फिटिंग दोनों टायर का, देख सकते हैं कैसा लुक आ रहा है, मतलब टायर बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है लुक। और बहुत लोग इधर प्रिंट करवाते हैं अपना यूट्यूब लोगो बहुत कुछ, मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही रहने देते ब्लैंक, मतलब ब्लैक कलर बहुत बढ़िया लग रहा है ऐसे। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा क्योंकि ये नट देख सकते बहुत ज्यादा बाहर है, इसको काटना होगा, देखते हैं अभी काट पाते या नहीं। सो गाइस फाइनली हमारा ये चीज़ फिटिंग हो चुका है जो मैंने लाया था ऑनलाइन से कुछ दिनों पहले। सो इसका प्राइस बता देते हैं, आप लोग बहुत देर से शायद वेट कर रहे हैं इसका प्राइस। तो इसका प्राइस मुझे पड़ा है 530, और मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, और आप लोग आसानी से मिल जाएगा 530 में, 470 तक है मैंने देखा है इसका, मतलब कम दाम में मिल जाएगा आप लोगों को। सो गाइस सामान का बात करो, सामान का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, इतना भी घटिया नहीं है, 500 रुपये में आप लोगों को बहुत अच्छा सामान मिला है, जो मुझे मिला है गाइस बहुत ही अच्छा सामान दिया है 500 रुपये में। वैसे आप लोग ऑफलाइन अगर खरीदना चाहते हैं तो 1000 भी पड़ जाता है, कभी कभी 1100 भी पड़ जाता है ऑफलाइन में, अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो 530 पर है इसका प्राइस। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना, अगर आप लोगों को चाहिए तो फ्लिपकार्ट में जाइए, नहीं तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग बाय कर सकते हैं उधर से जाके। बस आज का ये वीडियो इतना रखता है, और वीडियो देख के अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, व्यू भाई को सपोर्ट करना, और अच्छा अच्छा व्लॉग आता रहेगा। अभी हम लोग जाने वाले राइड पर, कुईमा राइड पर भी जाने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल का, तो वो भी मिलेगा आप लोगों को, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई को। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।